आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली ले मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वड्डी कृपा दी असी उहदा दिल तो धन्नवाद करते हाँ जो उन्हें सानू सारियां नू जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया ते अज दा पवित्र दिन सानू दित्ता है कि असी उहदी उपासना करिए उहदियां भलाईयां ते नेकियां नू याद करदे होए जिहड़ियां उहने अज तीकर साडे सारियां दे उत्ते कीतियां आ आफतां मुसीबतां तों बचाया संभालिया साडियां सारियां दियां लोड़ां ते जरूरतां नू पूरियां कीता। इह सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा वड्डा फजल है जिहड़ा समय समय ते अपने वादे ते अपने वचनां नू अपने लोकां दे जीवन दे विच पूरा करदा आ। सो असीं उहदा धन्नवाद करदे हाँ अज दे इस अच्छे समय दे लई जो ने अपनी वड्डी कृपा नू साडे सारियां दे उत्ते बहाल कीता आ। सो असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन दे उत्ते ध्यान देंगे थोड़े समय दे लई क्योंकि साडा जीवन परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच है जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर दे वचन नू अपनी ओट अपनी आसरा बनाउंदी है चाहे जमीन दे उत्ते किन्नियां वी आफतां ते मुसीबतां होण परमेश्वर दे वचन दी प्रतिज्ञा आ कि कोई आफत मुसीबत तेरे डेरे दे नेड़े नहीं आवेगी। खुदा अपने लोकां दे लई वाड़ लाउंदा आ खुदा अपने लोकां दी राखी करदा आ परमेश्वर अपने लोकां नू वड्डियां वड्डियां आफतां ते मुसीबतां तों बचाउंदा आ। जिवें पिछले समय च असीं सुणिया सी कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारियां भविष्यवाणियां कीतियां अंत दे समें दियां पर नाल ही पाक कलाम दे विच लिखिया कि तुहाडे सिर दा इक वाल भी विंगा नहीं होवेगा। खुदा दी जिहड़ी प्रतिज्ञा आ उहदे पवित्र लोकां दे लई आ उहदे उपासकां दे लई आ जिहड़े उहदे वचन दे विच रहिंदे ने। इस लई ढेर सारियां मुसीबतां हालात आउंदे ने पर उहनां सारियां तों सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोकां नूं बचाउंदा है। इस लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं हमेशा अपनी जिंदगी दा आधार परमेश्वर दे पाक कलाम नूं बनाईए ते जिहड़े उद्देश दे लई सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सानू बुलाया ते चुणिया आ असीं उस उद्देश नूं चंगी तरह समझ सकीए क्योंकि परमेश्वर ने पहले मनुख नूं भी अपनी उपासना दे लई ही बनाया पर इंसान खुदा दी उपासना नूं भुल गया असल काम नूं भुल गया ते संसार दीआं वस्तां नूं ही इंसान ने पहल दे दित्ती कि ये वस्तां ही मेरा सारा कुछ है जिस कारण तरह तरह दीआं स्थितियां हालात समस्या इंसान दे जीवन दे विच आउंदियां पर परमेश्वर दा पाक कलाम अज भी अपने लोकां नूं जिहड़े उहदी सच्चाई तों दूर आ उहनां नूं बुलाउंदा आ कि लोग उहदी वल मुड़न ताकि खुदा अज भी अपना रहम ते अपना तरस प्रगट करे। सो असीं पाक कलाम च पढ़न लई जा रहे हां जिवें अज स्थिति दे अनुसार चार सफेरे दुख कष्ट निराशा तरह तरह दीआं स्थितियां दे कारण हर इंसान चाहुंदा कि मैनूं कोई चंगी खबर मिले कि आ जिहड़ी शरीर च मुसीबत है दूर हो जावे आ जिहड़ी समाज च मुसीबत है दूर हो जावे आ जिहड़ी भारत देश च मुसीबत है दूर हो जावे जिहड़ी सारे संसार च मुसीबत है दूर हो जावे। हर एक चाहुंदा आ कि मैनूं चंगी खबर मिले जिद्दां असीं चाहुंदे हाँ कि सानूं चंगी खबर मिले ते साडे ते रहम ते तरस होवे खुदा अपना तरस प्रगट करे। इदां ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अड़ीकदा आ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अड़ीकदा कि इंसान जिहड़ा आ ओह मेरी वल मुड़े। हालेलुया हालेलुया इदां ही अड़ीकदा आ जिद्दां असीं अड़ीकदे हाँ चंगी खबर नूं जिद्दां असीं चंगी गल नूं अड़ीकदे हाँ असीं भली गल नूं अड़ीकदे हाँ इदां ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर वेट करदा आ उड़ीक करदा आ कि जिस मनुख नूं मैं अपने सरूप ते अपने वर्गा बनाया ओह मेरी वल मुड़े तां कि मैं अपना तरस अपना रहम उहदे उत्ते प्रगट करां। सो पढ़िए पाक कलाम दे विचों अज असीं चंद मिंट इस वचन नूं सुणांगे ते समझांगे साडे लई खुदा दी जिहड़ी उत्तम योजना आ कि असीं अपनी जिंदगी दे द्वारा उहदी उपासना करिए। यशायाह नबी दी पुस्तक 30 अध्याय उहदी 18 19 ते 20 ऐत पढ़ांगे। पहला 18 ऐत पढ़ांगे फिर 19 ते फिर 20 ऐत पढ़ांगे। पढ़िए यशायाह नबी दी पुस्तक 30 अध्याय। इस लई यहोवा अड़ीकदा है हाँ वे तुहाडे उत्ते कृपा करे। हाँ जिस तरह इंसान अड़ीकदा आ हर एक इंसान अड़ीकदा आ कि जिहड़ी समस्या आ जिहड़े हालात आ उह साडियां जिंदगियां चों दूर हो जाण असीं भली गल लई वेट करदे हाँ अड़ीक करदे हाँ
ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ, ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 100% ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁੜਨ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 100% ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੜੀਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਨੇ 100% ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ, ਉੱਠਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੌੜਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। 100% ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ
ते आज भी परमेश्वर की योजना आ अपने पुत्र येशु के द्वारा के आत्मा नूं शरीर दीआं इच्छावां तों आजाद किया जाए ताकि आत्मा अपने सज्जन हरे की पहचान करे। उत्थे भी उन्हां दे कोल समा नहीं सी क्योंकि वह बुत प्रस्ती वाले देश विच रह रहे सन। पहली गल बुतां दी पूजा सी और दूसरी गल उन्हां नूं काम ही इन्ना दिता जांदा सी कि उन्हां दे कोल परमेश्वर नूं याद करन दे लई भी समा नहीं सी। अज भी अहीं विचार करके देखिए हर दिमाग दे विच काम ही काम काम ही काम काम ही काम यही हालत हजार साल पहला इजरायलियां दी सी मिस्र दे विच। उन्हां को भी समा नहीं सी सज्जन हरे नूं याद करन दे लई उहदी उपासना करन दे लई जिहदे लई सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्हां बनाया। 24 घंटे कम रात दिन कम परमेश्वर ने अपने मूसा जन नूं खड़े कीता ताकि उन्हां नूं गुलामी चों कढ के उन्हां नूं समा देवे कि उह मेरी उपासना करन। ते नवे नेम दे युग दे विच भी सर्जन हरे ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं इस संसार ते भेजिया ताकि सारी मानव जाति शरीर दीआं छावां तों उपर उठ के अपने सर्जन हरे की पहचान करके रूह ते सच्चाई दे नाल इबादत करे। इसलिए सर्जन हरा इस गल नूं यशायाह नबी दे उत्ते प्रगट करदा है कि मनुख नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अड़ीक रिहा आ कि उहदे ते तरस करे रहम करे ते अपने आप नूं उन्हां जिंदगियां च उच्चा करे। अगे पढ़िए ध्यान नाल सुनिए भई उह तुहाडे उत्ते रहम करे क्यों जी यहोवा इंसाफ दा परमेश्वर है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसाफ दा परमेश्वर है। वह इंसाफ करन वाला है कि जिस मनुख नूं अपने स्वरूप ते बनाया वह चाहुंदा आ कि वह इंसान मेरी उपासना करे ईमानदारी दी जिंदगी जीए ते जिहड़ी इंसान दे लई गल जरूरी आ उस नूं फड़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसाफ दा परमेश्वर है। हाँ जी धन वो सारे जिहड़े उस नूं डीकदे हन। हाँ वह धन हो जांदे आ वह मुबारक बन जांदे आ जिहड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं अडीकदे आ जिहड़े वराई नूं त्यागदे आ वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निगाह दे विच धन बन जांदे आ वह आम तो खास बन जांदे आ ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक नूं खास ही बनाउणा चाहुंदा है जिहदे लई सिरजन हारे ने मनुख नूं बनाया। वह धन जिहड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं अडीकदे आ जिहड़े ईमान लियाउंदे आ फिर वह धन हो जांदे आ वह मुबारक बनदे आ फिर वह खुदा दे योग बन जांदे आ। धन वो जिहड़े परमेश्वर नूं अडीकदे है। हाँ जी क्यों जो यहोवा इंसाफ दा परमेश्वर है। हाँ जी धन वो सारे जिहड़े उस नूं अडीकदे हन। अगे पढ़िए हाँ हाँ हे लोको जिहड़े यरूशलम विच सिय्योन ते वसदे हो। हाँ जिहड़े उहदे राज दे हकदार बन जांदे ने जिहड़े उहदी परजा दे हिस्सेदार बन जांदे ने जिहड़े उहदी चोण विच शामिल हो जांदे ने उह फिर आम नहीं रहिंदे वह परमेश्वर की निगाह च खास बन जाते। हाँ जी तुसी फिर कदे ना रोवोगे। हाँ तुसी फिर कदी भी रोवोगे नहीं ये उन्हां दे लई प्रतिज्ञा आ जिहड़े अपने आप नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ दिंदे आ जिहड़े प्रतीत वाले बन जाते। 18 ऐत बेप्रतीतियां दे लई आ 19 ऐत प्रतीत आलियां दे लई है जिहड़े प्रतीत आले बन जांदे आ जिहड़े उहदे उपासक बन जांदे आ जिहड़े उहदे वचन दे प्रति वफादार हुंदे आ उहनां दे लई प्रतिज्ञा फिर तुसीं कदी रोवोगे ना। हाँ जी उह तुहाडी दुहाई दी आवाज़ दे कारण जरूर तुहाडे उत्ते कृपा करेगा। हाँ फिर उह तुहाडियां दुहाईयां तुहाडियां बेनतियां दा तुहानूं उत्तर देवेगा वो तो बेनतियां का उत्तर देवेगा। हाँ जी
जद उस नूं सुनेगा वो तुहानूं उत्तर देवेगा। हाँ जी, भावे प्रभु तुहानूं दुख दी रोटी अते कष्ट दा पानी देवे। हाँ, जदों असीं प्रतीत दे विच वध जांदे हां, पूरन प्रतीतवान बन जांदे हां, विश्वासी बन जांदे हां पूरनताई दे नाल, फिर भावे स्थितियां किदां दीआं भी होण, हालात किदां दे भी होण, खुदा दे वचन दी प्रतिज्ञा आ कि ओ तुहानूं कदी भी छड्डेगा नहीं, ओ अपना आप लकोवेगा नहीं। चार सफेरे स्थितियां भावे किदां दीआं भी होण, पर पहली गल जदों असीं ओहदे वल मुड़दे हां फिर असीं धन हो जांदे हां, मुबारक बन जांदे हां, और दूसरी गल असीं विश्वासी बन जांदे हां। ते विश्वासियां दे लई खुदा दे लोकां दे उत्तम प्रतिज्ञा आ, पढ़िए ध्यान नाल सुणिए वी ऐ। हां, भावे प्रभु तुहानू दुख दी रोटी अते कष्ट दा पानी देवे। हाँ, भावे स्थितियां किदां दीआं वी होण, दुख दी रोटी ते कष्ट दा पानी देवे, तां वी तुहाडा गुरु आप नू ना लुकावेगा। तां वी तुहाडा गुरु अपने आप नू लुकोवेगा नहीं, अगे सगो तुहाडीआं अखां अपने गुरु नू वेखणगीआं। उहनां स्थितियां च वी, दुख दीआं घड़ियां च वी, मुसीबत दीआं घड़ियां दे विच वी, तुहाडीआं जिहड़ीआं अखां आ उह अपने गुरु नू वेखणगीआं। परमेश्वर अपनी कृपा नू तुहाडे उत्ते बहाल करेगा, दुख दीआं घड़ियां दे विच वी किसे ना किसे रूप दे विच जदों तुसीं उहदी वल तकोगे ते तुहाडीआं अखां अपने गुरु नू वेखणगीआं। ओदे वचन दी प्रतिज्ञा आ कि ओ तुहानूं ना छड्डेगा ते ना त्यागेगा, क्योंकि खुदा दी उत्तम योजना आ कि सारी मनुख जाति सर्व शक्तिमान परमेश्वर दी वल मुड़े। कुछ दी पुस्तक 9 दे आयो दी पहली आयत पढ़िए। यहोवा ने मूसा नूं आख्या, लै ध्यान नाल सुणिए, परमेश्वर ने मूसा नूं आख्या, फिरौन कोल जा, फिरौन कोल जा और उस नाल गल कर, अते उस नाल गल कर कि यहोवा इब्रानियां दा परमेश्वर इउं फरमाउंदा है, यहोवा इब्रानियां दा परमेश्वर इस तरह फरमाउंदा आ कि मेरी परजा नूं जाण दे, मेरी परजा नूं जाण दे तां जो मेरी उपासना करे। बस, परमेश्वर दी सारी योजना इजरायली लोकां दे लई वी इही सी, क्यों उन्हां नूं मिस्र दी गुलामी चों कढ़ना चाहुंदा सी, क्योंकि उत्थे उन्हां कोल टाइम ही है नहीं सी, समां ही नहीं सीगा। पहली गल बुत प्रस्ती सी, दूसरी गल उन्हां नूं काम ही इन्ना दित्ता जांदा सी रात दिन इट्टा बनाउण दा। आखरी समय तां फिरौन राजा ने इन्नी सख्ती कर दित्ती कि इट्टा बनाउण लई मटीरियल वी जिहड़ा तुसीं अपने आप ही इकट्ठा करो। रात दिन समां ही नहीं सीगा परमेश्वर नूं याद करन दे लई, उहदी उपासना करन दे लई। इह सर्व शक्तिमान परमेश्वर दी योजना सी। मूसा नूं कहा कि फिरौन राजा दे कोल जा ते उहनूं आख कि मेरी परजा नूं जाण दे, छड़ दे, इन्हां नूं याद कर। की करन दे लई? कम करन लई नहीं, सिर्फ मेरी उपासना करन दे लई। सृजनहारा उहनां नूं सिखाउणा चाहुंदा सी अपने लोकां नूं कि जे तुसीं मेरी उपासना करोगे ते मैं तुहाडियां सारियां चीजां च तुहानूं बरकत देंगा, जे तुसीं मेरी उपासना करोगे ते मैं तुहाडे रोटी ते पानी नूं की देंगा, बरकत देंगा, तुहाडे शरीरां चों बीमारी भी कढ देंगा। इस लई जदों मिस्र दी गुलामी चों निकले ते परमेश्वर ने 40 साल उपरों मन भरा के खाण लई भोजन भरा के सिद्ध कर दिता कि मनुख रोटी दे नाल नहीं बल्कि परमेश्वर दे मुख चों निकले वाक नाल जिउंदा रह सकदा है।
इसलिए उन्होंने भुखे रहन दिता, इसलिए उन्होंने प्यासे रहन दिता, चट्टानां दे विचों पानी कढ के पिलाया, स्वर्ग तो मन्ना वराया, और उन्होंने हदायत सी। परमेश्वर चाहुंदा सी कि यह भरोसे की जिंदगी जीन, विश्वास की जिंदगी जीन। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्होंने हदायत दिती कि जिहड़ा उपरों मन बनाया जाता सी, जिन्ने परिवार के जी आ उहदे मुताबक ही इकट्ठा करना। जिहड़ा ज्यादा इकट्ठा करता सी उहदा ज्यादा नहीं रहिंदा सी, जिहड़ा डरदा डरदा थोड़ा इकट्ठा करता सी ते उहदे थोड़े दे विच आशीष सी। भरोसे की जिंदगी जीण दे लई खुदा ने उन्हां नूं स्वर्ग तो मन्ना भी भराया। कूच की पुस्तक 16 दे अधी 16 ते 17 ते पढ़िए, ध्यान नाल सुणिए। इहो गल है जिहदा यहोवा ने हुक्म दिता वी उस विचों हर एक मनुख अपने खाण जोगा इकट्ठा करे। लो जी किन्ना इकट्ठा करे, बोलिए किन्ना इकट्ठा करे, जिहड़ा स्वर्ग तो मन्ना डिगदा है। क्योंकि परमेश्वर रोज देना चाहुंदा सी उन्हां नूं, उन्हां नूं विश्वास की जिंदगी जीण लई परमेश्वर ने सारियां स्थितियां दे विच दी लगाया। 40 साल स्वर्ग तो मन्ना डिगदा रहा, सिर्फ उन्हां लई कोई काम सी कि तुसीं मेरी उपासना करो। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए 16 ते 17। हाँ जी, हर एक मनुख अपने खाण जोगा इकट्ठा करे, हर एक मनुख अपने खाण जोगा इकट्ठा करे, अर्थात एक एक उम्र अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार। परिवार के विच जिन्ने जी आ उन्हां दी गिनती के अनुसार एक नाप सीगा, परिवार के जिन्ने जी आ उन्हां दी गिनती के अनुसार वो जिहड़ा मन्ना सीगा धनिए वर्गा, धनिया जिदा गोल गोल बरीक बरीक इदा डिगदा सी उहनूं इकट्ठे करदे सी ते उहदे तेल च तड़के पूड़े दी तर बना के खांदे सी। हर एक परिवार जिहड़ा अपने जीआं दी गिनती दे अनुसार वो भोजन नूं इकट्ठा करे। अगे हाँ जी, हर मनुख उहनां लई जिहड़े उहदे तंबू विच हन लवे। हाँ, इसराइलियों ने इवें ही किया, अगे कईआं ने वध ते कईआं ने घट इकट्ठा कीता। कईआं ने वध इकट्ठा कर लिया बेपरतीते दे कारण, पता नहीं कल नूं डिगणा कि नहीं कुछ, पता नहीं कल नूं कुछ मिलना कि नहीं। कईआं ने घट इकट्ठा कीता डरदे डरदे वे खुदा दा कितें क्रोध ना भड़क जावे। अज भी असीं विचार करके देखिए ये वायरस दे कारण चाहे कोई राजा तो चाहे कोई लीडर सी तो चाहे कोई अमीर ज्यादा सी तो चाहे आम इंसान सी, वायरस ने सारे नूं एक जगह ते लिया के खड़े कर दिता, सारी दुनिया नूं। चाहे कोई किड्डा भी अपने आप च कहिंदा सी कि मेरा कंट्री वड्डा आ ते मैं इस कंट्री दा मुखी आ, ते सारिआं नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इक्को ही हालात दे विच लिया के खड़े कर दिता। ते हर एक दी सोच यही अज दी तरीक दे विच भी कि जिंदगी मिल जावे। हर एक ये मौत दा साया जिहड़ा वायरस दे कारण आया ये दूर हो जावे, चाहे गरीब आ चाहे अमीर है ते चाहे कोई खड्डा भी अपने आप दे विच है, सारिआं नूं सिरजणहारे ने इक्को जगह ते लिया के खड़े कर दिता। ते यही योजना जिहड़ी आ इजरायली लोकां दे लई सी कि रोज दे रोज इकट्ठा करना आ, ते हर इंसान की स्थिति भी इत्थे लिया के सिरजणहारे ने खड़ी कर दिती है कि हर इंसान यही सोचदा वी जीवन मिल जावे। हर एक चीज संसार की फेल कर दिती। हिजकेल दे वचन दे विच लिखिया कि उन्हां दी सोना उन्हां दा चांदी उन्हां नूं बचावेगा नहीं, वह सुट देणगे। वे किवें ना किवें सानूं जीवन मिल जावे।
स्थितियां वर्ल्ड दे विच असीं वेख सकदे आ इदां दीआं होईआं, क्योंकि किते ना किते खुदा अपने वचन नूं पूरिया करदा, क्योंकि जिंदगी संसार दी किसे वस्तु दे विच नहीं, जिंदगी सिरजणहारे दी हजूरी दे विच है। इसलिए परमेश्वर इंसान नूं भरोसे दी जिंदगी जीण लई आखदा कि मेरे ते भरोसा रख के चलो ते मैं समय समय ते अपनियां रहमतां बहाल करांगा। पढ़िए, ध्यान नाल सुणिए, परिवार दे नाप दे अनुसार इकट्ठा कीता जावे। हाँ जी, जद उन्होंने उम्र नाल मापिया, हाँ जद उन्होंने इकट्ठा करके अपने उस माप दे नाल मापिया, जिसने वध लिया सी उहदा, लो जी जिसने वध लिया सी, वध इकट्ठा कीता सी, लालच कीता सी, उहदा वध ना निकलिया, उहदा वध निकलिया ही नहीं। दुनिया विच बहुत कुछ इंसान ने इन्हां स्थितियां च देख लिया, किन्ना धन दौलत, सोना चांदी, महल, मोटर गड्डियां, दुनिया की कोई चीज भी इंसान नूं बचा सारे कोई हालात भी लिया के खुदा ने खड़े कर दिते कि हर एक इंसान इसे सोचा कि मैनू जीवन मिल जाए, चाहे किसी दे को दुनिया की कोई चीज हैगी आ ते चाहे नहीं। जिन्हें वध इकट्ठा किया सी उहदा वध निकलिया नहीं। अगे जिसने घट लिया सी उसका घट ना निकलिया, ते जिन्हें डरदे डरदे घट इकट्ठा किया सी उहदा घट नहीं निकलिया। पर हर एक जिहड़े गरीब आ उह वी जिउंदे आ, ते जिहड़े दुनिया दीआं वस्तां दे मालक सीगे ते अज उह वी तरसदे आ कि सानू जीवन मिल जावे, आफतां दूर हो जाण। सारिआं नूं सिरजणहारे ने इक्को लेवल च लिया के खड़े कर दित्ता। जिन्हां ने लालच कीता उहनां दा ज़्यादा नहीं निकलिया, ते जिन्हां ने डरदे डरदे घट इकट्ठा कीता सिरजणहारे ने घट दे विच ही आशीष दे दित्ती। हाँ जी, पर हर एक ने अपने खाण जोगा पाया। मूसा ने उन्होंने आख्या सवेर ती कोई रख ना छड़े। हाँ लो जी, मूसा ने यह गल कही सी कि सवेर तक कोई भी रख ना छड़े अज दे लई। तदे जो मिट्टी की अंजील दे विच छे अध्याय च प्रार्थना पढ़ते हैं, छे दी नौ ऐत तो लैके चेले कहिंदे गुरु जी प्रार्थना करनी सिखाओ, ते गुरु ने प्रार्थना करनी सिखाई, हे पिता तू जो स्वर्ग विच है तेरा नाम पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिही स्वर्ग च पूरी हुंदी जमीन ते भी होवे। अगे सानू रोज दी रोटी, बोलिए रोज दी रोटी, कल दी नहीं गल, ना परसों दी, ना 2021 दी, ना 22 दी, ना 23 दी। ये भरोसे दी जिंदगी है। गुरु ने कहा कहिंदा आ प्रार्थना करिया करो परमेश्वर दे अगे, पिता दे अगे जिहड़ा स्वर्ग च है, सानू रोज दी रोटी अज। यही गल मूसा दे द्वारा इजरायली लोकां नूं सी, अज लई इकट्ठा करो, ते जिहड़ा कल लई इकट्ठा करदा सी ते जिन्ना बचिया हुंदा सी उहदे च कीड़े पै जांदे सी, जदों सवेरे देखदे ही ते उह खाण दे योग नहीं रहिंदा सी। हालेलुया। सो सारियां गल्लां च मनुख नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी उपासना दे लई बनाया। अज असीं उपासना लई टाइम है नहीं गा, उहदी हजूरी च बैठण लई टाइम है नहीं। यही नहीं भी उहदी हजूरी च सिर्फ असीं चर्च च जाके बैठना आ, उहदी हजूरी तां अज नवें नियम दे युग दे अनुसार चाहे तुसीं घर च बह गए, जिथे भी बैठ गए उहदी हजूरी उत्थे ही प्रगट हो जाती है। क्योंकि कलाम च लिखिया सच्चे भगत आत्मा ते सच्चाई ना पिता दी भगती। वो जरूशलम च नहीं जाना पऊगा, वह कितने पहाड़ ते नहीं जाना पऊगा, जिथे तुसीं उहदी हजूरी च बैठ गए उहदी उपासना करन लई खुदा ने अपनी कृपा उत्थे ही बहाल कर देनी है। सब तो वड्डी गल है कि असीं अपनी लाइफ अपनी जिंदगी दे विच सिरजणहारे नूं समां देईए, ते अज उहनूं समां देण दी बजाए असी नाशवान वस्तां दे लई पूरा समां आ साडे कोल, जिहदे कारण सब दौड़ लाउण तों बाद भी इंसान दी संतुष्टि नहीं, क्योंकि जीवन संसार दीआं वस्तां दे विच नहीं, जीवन सिरजणहारे दी हजूरी दे विच है। इसलिए जिहड़ी जिंदगी सिरजणहारे ने सानूं दित्ती आ साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ, इह जीवन दा भेत पाईए। तदें इदां दीआं स्थितियां हालात आउंदे समें समें ते सिरजणहारा मनुख नूं झटके लौंदा कि सुत्ता जिहड़ा आ जागे, जिहड़ा बेसुरत होके सुत्ता आ उह जाग उठे, तां कि उह अपने असली काम नूं पहचाणे कि खुदा ने मैनूं जिंदगी क्यों दित्ती है,
असी सारे जानते हैं इस जिंदगी की सीमा या हद वा एक हद तक असी इस संसार दे उत्ते रहना है सदा नहीं रहना। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इजरायली लोगों के लिए योजना सी ते अज भी सृजन हरे की सारी मनुख जाति के लिए यही योजना आ कि इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करे।